चार दिवसीय छठ पर्व जो मनाया जाता है उसमें आज हम लोग खरना व्रत किए हैं, जिसमें शाम को सूर्य भगवान का दर्शन करके फिर उसमें कुछ व्यंजन बना के उसको ग्रहण किया जाता है। इसमें दिया का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, जो हम दिखाता है काफ़ी स्वच्छता से बनाया जाता है और प्रकृति की तरफ हम लोग को ले जाता है। इसमें सुथनी है, अनानास है, इन सब का भी प्रयोग किया जाता है, जिसको लोग भूल जाते हैं कि हाँ ये भी कोई फल होते हैं, फ्रूट होते हैं। गागर नींबू होता है, उसका भी पूजा किया जाता है। इसमें स्वच्छता का काफ़ी ध्यान दिया जाता है और सच्चे मन से अपने परिवार के लिए, बेटे के लिए, बेटियों के लिए, सबके लिए सच्चे मन से व्रत किया जाता है। हाँ, यह छठ माता का व्रत जो है विष्णु भगवान का त्यौहार है, इसे हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और ये अपने बाल बच्चे परिवार के लिए किया जाता है। और आज के दिन हम लोग रसिया और रोटी खाते हैं, आज रसिया और रोटी खाते हैं लोग और भूखते हैं लोग। एक टाइम खाना खाया जाता है, दिन भर भूखा रह जाता है बिना पानी के, और शाम को रसिया रोटी खाया जाता है। और फिर कल छठ किया जाता है, छठ माता का व्रत है, इसको संझत माता का व्रत कहा जाता है और छोटी छठ भी कहा जाता है। लोग अभी आज खरना का व्रत किए हैं, जो छठ माँ का व्रत होता है उसमें एक खरना पर्व होता है, वो हम लोगों ने आज व्रत रखा है। और ये हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके अच्छाई के लिए, उनके सुख के लिए ये पर्व किया जाता है, ये त्यौहार मनाया जाता है। और इसमें हम लोग अपने सूर्य आराध्य देव की आराधना करते हैं जी। इसमें हम लोग सारी प्राकृतिक चीजों का उपयोग करते हैं, इसमें हम अपने फलों का उपयोग करते हैं, जो अभी हमारे नए फल आते हैं इस ऋतुओं में, जो नए फल मिलते हैं उनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें। और इसमें हम अपने गेहूं से बने हुए कुछ व्यंजन बनाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, और ताकि प्रकृति से जुड़ने का ये हमारा एक पर्व है। और इसमें हम सूर्य को अर्घ देते हैं, और न केवल उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं बल्कि डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं, तो उनकी भी पूजा हम करते हैं।